केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद आज शाम वृंदावन गार्डन की सील खोल दी गई। बता दें, कल विकास प्राधिकरण ने भारी अमले के साथ वृंदावन गार्डन को सील कर दिया था। विकास प्राधिकरण का कहना था कि कई बार नोटिस देने के बावजूद आज तक वृंदावन गार्डन समेत अन्य बैंकट हॉल ने अपने नक्शे पास नहीं कराए, जिस कारण ये कार्रवाई हुई। दरअसल शहर में जितने बैंकट हॉल बने हुए हैं उन पर विकास प्राधिकरण की दरों के हिसाब से लाखों रुपए का शुल्क बैठता है। इसके चलते शहर के किसी भी बैंकट हॉल ने अपना मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। विकास प्राधिकरण में जब भी नए अधिकारी आते हैं तो इस तरह के नोटिस जारी करते हैं, लेकिन अधिकारी और बैंकेट हॉल के बीच आपसी जुगलबंदी के चलते बैंकेट हॉल ऐसे ही चलते रहते हैं। महीनों से चली नूरा कुश्ती के बाद कल अचानक विकास प्राधिकरण ने बैंकेट हॉल को सील कर दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, विकास प्राधिकरण के सचिव आदित्य प्रजापति, सीओ नई मंडी हिमांशु गौरव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने जाकर बैंकेट हॉल को सील कर दिया, जिसका व्यापारियों ने विरोध करते हुए जाम लगा दिया था। बाद में विकास प्राधिकरण में घंटों तक वार्ता चली थी। उस समय वृंदावन गार्डन के मालिक पंकज जैन ने आरोप लगाया था कि विकास प्राधिकरण के अफसर मोटी वसूली करना चाहते हैं, जिसके चलते वो बैंकेट हॉल वालों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि उनके हॉल को नहीं खोला गया तो शहर के किसी भी बैंकेट हॉल में शादी नहीं होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। डॉक्टर संजीव बालियान ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से वार्ता करते हुए कहा कि कल से इस बैंकेट हॉल समेत शहर के अन्य बैंकेट हॉल में विवाह समारोह होने जा रहे हैं। इन बैंकेट हॉल में कई शहरवासी अपने बच्चों की शादी विवाह के आयोजन पहले से ही बुक कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल जनहित में इनका खोला जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैंकेट हॉल मालिकों को कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मंत्री के इस हस्तक्षेप के बाद आज प्राधिकरण ने वृंदावन गार्डन खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 28 फरवरी तक शादियों का सीजन होने के कारण वृंदावन गार्डन को राहत दे दी गई है। कई शहरवासी पहले से ही फरवरी तक अपने समारोह के लिए इसे बुक कर चुके हैं, इसलिए प्रशासन अपनी आगे की कार्रवाई 28 फरवरी के बाद करेगा। विकास प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि ये राहत तत्कालिक रूप से दी गई है। यदि शहर के बैंकेट हॉल शमन शुल्क के साथ अपने मानचित्र विकास प्राधिकरण में जमा नहीं करते हैं तो विकास प्राधिकरण इन बैंकेट हॉल को फिर से सील कर देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है और बैंकेट हॉल स्वामी। आज वृंदावन गार्डन में कल सील लगाई गई थी, हंगामा क्या गया था, आज खुली गई है? आज प्रशासन के आशीर्वाद से और हमारे सबके आशीर्वाद से सील खुल चुकी है। बहुत मशक्कत करने के बाद में सील खुली और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट पर है, सबके घर में शादी है, बहू बेटे की, सभी की, बिटियाओं की शादी है, कृपया करके मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी राहत दे दी जाए ताकि ये शादी वगैरह सब संपन्न हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये दो दिन हमारे पे कैसे गुजरे हैं हमें मालूम है। दो साल कोरोना काल की वजह से हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी तरह से हमें थोड़ी सी राहत दे दी जाए। बैठ के बात सबकी हो सकती है, समाधान सबका है और बस समय की अपेक्षा। कल की शादी है बैंकट हॉल में, उसकी तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, बल्कि उनके परिवार वाले आज उनके घर में खुशी के माहौल की जगह मातम का माहौल था। अच्छा, वो सभी रो रहे थे, मेरे सामने आपको देखी स्थिति है ये। खैर, प्रशासन ने थोड़ी सी राहत देते हुए उसकी सील खुलवा दी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। लेकिन अनुरोध साथ के साथ ये है कि ये मार्च तक का सीजन है, किसी तरीके से भी ये सीजन हमारा करवा दी। उसके बाद लगातार 90 बैंकट हॉल अवैध संचालित बताए जा रहे हैं। बैंकट हॉल बिल्कुल MDA की नज़र में, प्रशासन की नज़र में सारे अवैध हैं और ये अवैध कोई भी बैंकेट हॉल 15-20 साल से पुराना कम नहीं है, सब पुराने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रशासन के अवेला नहीं कर सकते आदेश की, लेकिन सिर्फ अपेक्षा ये करते हैं, अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा समय दे दिया जाए, राहत मिल जाएगी ताकि ये शादी वगैरह सब संपन्न हो जाए। जिसकी सक्षमता होगी वो अपने बैंकेट हॉल को स्वीकृत करा लेगा, जिसकी सक्षमता नहीं होगी वो नहीं करा लेगा, वो अपना बंद कर देगा। इस बारे में प्रशासन को, MDA को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक पब्लिक हैं, प्रजा हैं, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, बाकी तो मालिक सभी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।